ओके तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखा है प्रोग्रामिंग का, उसमें वेरिएबल्स था, फंक्शंस थे और बटन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, उसमें हम कंडीशंस के बेसिस पे लाइंस को या फंक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो ओके लेट्स सी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत सारे जगह हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना, जैसे जिसमें पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ओके, उसके बेसिस पे हम लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। जैसे जैसे कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेट्स से हम एक हमारा स्क्रीन है जिसमें क्वेश्चंस है और ऑप्शंस है, ठीक है। तो अगर यूज़र सही ऑप्शन क्लिक करता है, ठीक है, इफ़ ही चूजेस द राइट आंसर, ठीक है, तब हमको क्या करना है कि जो ऑप्शन सही ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया है उसको ग्रीन करना है और बाकी सबको रेड करना है। जो रॉन्ग आंसर है उसको रेड हाईलाइट करना है और जो राइट आंसर है उसको ग्रीन हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन पे हो रहा है ना कि अगर आंसर सही है तो, ठीक है, इस तरह कंडीशन है। और एक्चुअली ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि इसमें आपका वो क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि आपने बोला था कि अगर मेरा लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन है और उस लॉगिन स्क्रीन में एक यूज़र नेम है और एक पासवर्ड है, ठीक है। तो अगर यूज़र जो है वो ब्लैंक छोड़ दे रहा है, ठीक है, इसको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को वो एम्प्टी रख रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे कि यूज़र का जो फील्ड्स है, इनपुट फील्ड्स है, वो ब्लैंक है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कंडीशन का अप्लाई कंडीशनल एग्जीक्यूशन का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक यूज़र नेम, एक एक ही फील्ड अभी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक फील्ड क्रिएट करते हैं, पहले एक फील्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। और ये फील्ड है, लेट्स से हम इसका नाम देते हैं लेबल में भी यूज़र नेम, ठीक है, और इसको हम एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक बटन भी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और इस बटन के एग्जीक्यूशन पे वो चेक करेगा कि ये जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, ये एम्प्टी है या नहीं। ओके, तो अगर ये फील्ड एम्प्टी हुआ तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं जाएगा, ठीक है, यानी लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ यूज़र का, ठीक है। तो अनलेस द यूज़र फिल्स हिज यूज़र नेम, ओके, टाइप्स हिज यूज़र नेम एंड ही क्लिक्स नेक्स्ट, ही विल नॉट बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सक्सेस स्क्रीन दिखा देते हैं, सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। इसमें हम एक लेबल क्रिएट कर देते हैं और इस लेबल में लिख देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। ओके, तो इसको हम कह देते हैं कि दिस इज स्क्रीन लॉगिन और स्क्रीन 4 को लॉगिन सक्सेस, ठीक है। ओके, अब हमको कंडीशन बेस करना है इस पे, इस पर्टिकुलर लेबल पे, ठीक है। तो दिस इज लेबल यूजर नेम 2, ओके, एंड देयर इज अ बटन, सो इस बटन को हम कहते हैं नेक्स्ट, ओके ओके। तो अब हम ब्लॉक पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें भी इट्स इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसको अभी हम इसमें भी हमको एक लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है रिक्वायर्ड फील्ड का, ठीक है, थंकेबल में, तो हमको इसमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी हम एक और लेबल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और इसको कहते हैं यहाँ पे यूजर नेम, लेबल यूजर नेम
इज ओके, इसको कहते हैं लेबल यूजर नेम इनपुट। ओके ओके, और इसमें हम बस यूजर को दिखा देंगे कि प्लीज एंटर योर यूजर नेम। ओके, और दिस इज द इनपुट फील्ड। तो हम इसको लेबल नहीं लेते हैं, इसको हम इनपुट फील्ड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेबल विल नॉट अलाउ द यूजर टू एंटर समथिंग। ठीक है, लेबल बस डिस्प्ले के लिए होता है, कुछ इनपुट अगर हमको यूजर से कराना है तो उसके लिए हम लोग इनपुट फील्ड लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमको टेक्स्ट इनपुट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू सी देयर इज अ प्री पॉपुलेटेड वैल्यू विच इज हिंट, ठीक है, टाइप हियर, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, टाइप योर यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम यूजर यहाँ पर टाइप करेगा, दिस इज जस्ट अ डिस्प्ले लेबल। ठीक है, और नेक्स्ट पे अगर सक्सेसफुल हुआ तो ही विल बी और ही शी विल बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन विच इज लॉग इन सक्सेसफुल, और एल्स वो उसी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह कंडीशनल प्रोग्रामिंग हमको करना पड़ेगा। ओके ओके, और वो हम इवेल्युएट कब करेंगे कि यूजर ने कुछ टाइप किया है कि नहीं, ये नेक्स्ट के क्लिक पे बटन पे, बटन क्लिक पे। ठीक है, तो ब्लॉक पे आते हैं, तो ब्लॉक पे सबसे पहले हम वो बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, व्हेन द बटन 5 इज क्लिक्ड। तो और इसके इसमें ब्लैंक है, तो व्हेन द बटन 5 इज क्लिक्ड, बट बटन 5, लेट्स इसका नाम हम कुछ अच्छा नाम देते हैं, बटन 5 इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नेम, बटन वैलिडेट कर देते हैं इसको, वैलिडेट लॉग इन। ओके, अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, तो ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा सक्सेस स्क्रीन है। ठीक है, लॉग इन सक्सेस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू ब्लॉक्स, तो अब हम अगर बटन वैलिडेट लॉग इन पे क्लिक करते हैं, तो व्हेन द बटन वैलिडेट लॉग इन इज क्लिक्ड देन डू समथिंग। सो वो डू समथिंग क्या होगा, हम वैलिडेट करेंगे कि इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमको हमारे पास क्या होता है, एक नल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो नल नल क्या होता है, नल का मतलब होता है एम्प्टी। तो हम बस अपना जो इनपुट फील्ड है, जो हमारा टेक्स्ट इनपुट 1 है, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं, टेक्स्ट इनपुट 1 इज नॉट अ वेरी गुड नेम, सो टेक्स्ट इनपुट यूजर नेम। ठीक है, यूजर इनपुट कर देते हैं इसको। ठीक है, यूजर इनपुट, सो टेक्स्ट इनपुट यूजर इनपुट। ओके ओके, तो जब भी अभी हम फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो कमिंग बैक टू नल, नल मतलब क्या होता है, जैसे प्रोग्राम कंप्यूटर को या प्रोग्राम को समझ नहीं आता कि वो ब्लैंक से कंपेयर कैसे करे, तो उस ब्लैंक के लिए एक वेरिएबल बना हुआ होता है जिसको नल बोलते हैं। ठीक है, नल का मतलब होता है एम्प्टी, ठीक है, या ब्लैंक। ओके, तो हम इस फील्ड का जो इनपुट है इसको कंपेयर करेंगे नल से, अगर वो दोनों बराबर हो, यानी कि नल है इसका इनपुट, देन वी विल पॉपुलेट सम काइंड ऑफ मैसेज। ठीक है, या फिर हम इस लेबल को रेड हाईलाइट कर देंगे कि प्लीज एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, और यूजर जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू द ब्लॉक्स, तो वी कैन क्लिक ऑन द बटन। ओके, और इस कंडीशन वाले फंक्शन को हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू, अब हमको यहाँ पे एक कंडीशनल एग्जीक्यूशन का यूज करना पड़ेगा, इफ का। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि इफ सम कंडीशन इज ट्रू देन ओनली यू डू समथिंग। ठीक है,
अगर कंडीशन फॉल्स होता है देन यू डोंट डू समथिंग, ठीक है? ओके, इसमें होता क्या है, जैसे कि सबसे पहले तो हम एक, ये हमारा मान लो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज़ फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन स्टार्ट। उसके बाद फिर एक कंडीशनल ब्लॉक होता है, ठीक है? वो कंडीशनल ब्लॉक को हम डिनोट करते हैं एक रॉम्बस से, ठीक है? समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, कंडीशन में हम कंपेयर करेंगे कि लेट्स से फील्ड इज ब्लैंक, ठीक है? फील्ड ब्लैंक, ओके, एग्जीक्यूशन मेरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओके, सो इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है? अब यहाँ पे आएगा, दिस इज द स्टार्ट, ओके, और जब एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा कंडीशनल ब्लॉक में, तो ये चेक करेगा कि इज फील्ड ब्लैंक, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं उस, इज फील्ड ब्लैंक, तो ये कंडीशन है, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन है कि फील्ड मेरा ब्लैंक है कि नहीं, ठीक है? तो अगर फील्ड ब्लैंक हुआ यानी कि ट्रू हुआ देन वी विल एग्जीक्यूट समथिंग, ठीक है? सो इफ द फील्ड इज ब्लैंक देन डू दिस, इफ द फील्ड इज नॉट ब्लैंक देन डू समथिंग एल्स, ठीक है? तो ये एक इफ एल्स का ब्लॉक है, तो इफ ट्रू देन डू दिस, इफ इट इज फॉल्स देन डू दिस, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ट्रू होता है तो आप ये एग्जीक्यूशन करेंगे, अगर फॉल्स होता है तो कंप्यूटर इस तरफ एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है? अब ट्रू में हमको क्या कराना है, अगर कंडीशन मेरा फील्ड ब्लैंक है, ठीक है? अगर फील्ड ब्लैंक है तो फिर कुछ स्टेप्स हमको लेने होंगे, जैसे कि सबसे पहला स्टेप है कि हाईलाइट द लेबल, जो भी वैलिडेशन लेबल हम देंगे, वैलिडेशन लेबल टू रेड कलर, ठीक है? तो वो वैलिडेशन लेबल जो है वो मेरा रेड कलर हो जाएगा, ठीक है? और कुछ भी नहीं करेंगे हम, सिर्फ वो वैलिडेट रेड कर देंगे ताकि यूज़र को पता चले कि उसको उसमें एंटर करना है। तो वो वैलिडेशन लेबल क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर किया, प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम, तो इसको हम लोग रेड कर देंगे ताकि उसको पता चले कि ये मुझे करना है, ठीक है? इट्स अ फीडबैक, ठीक है? यूज़र के लिए फीडबैक होगा कि आपने जो एंटर किया है, जो भी अगर एंटर नहीं किया है तो वो सही नहीं है, यू हैव टू एंटर इट, ठीक है? सो दैट इज़ अ फीडबैक दैट वी आर गिविंग, ठीक है? सो अगर वैलिड फील्ड ब्लैंक है देन यू हाईलाइट इट, अगर फील्ड ब्लैंक नहीं है, ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो रहा है, अगर फील्ड ब्लैंक नहीं है देन हम लोग कुछ स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा नेविगेट टू नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है? नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो मेरा सक्सेस लॉगिन है, ठीक है? सिंपल कंडीशन है और सिंपल स्टेप्स है, ठीक है? बस हम लोग जब नेविगेट हम करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पे, उस नेविगेशन पे हम एक कंडीशन लगा देंगे, वो कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि ये जो इनपुट है वो ब्लैंक है कि नहीं, ठीक है? तो इस तरह के कंडीशनल एग्जीक्यूशन को इस तरह के एग्जीक्यूशन को कंडीशनल एग्जीक्यूशन बोला जाता है, और ये एक इफ इफ एल्स ब्लॉक है, ठीक है? इट्स इज द वर्किंग ऑफ अ सिंपल इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है? इफ दिस एल्स दिस, ठीक है? सो दिस साइड इज द इफ पार्ट, तो ये आपका इफ पार्ट हो गया है, और ये जो है ये एल्स ब्लॉक है, ठीक है? इफ ब्लॉक, इट्स कॉल्ड एज इफ ब्लॉक, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एल्स ब्लॉक, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं कि इसको थंकेबल में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है? तो अब हम वापस से अपना ब्लॉक पे आ जाते हैं, तो अब हम बटन के क्लिक पे हम वैलिडेट कर रहे हैं, तो बटन के क्लिक पे मुझे कंपेयर करना होगा अपने फील्ड को, ठीक है? तो कंपेयर करने के लिए मेरे पास, आप लॉजिक में आएंगे, ठीक है? तो लॉजिक में आपका एक कंपैरिजन का ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे तो दो एम्प्टी पजल्स हैं यहाँ पे, ये भी एम्प्टी है, लेफ्ट साइड एम्प्टी है, इक्वल्स के लेफ्ट साइड और इक्वल्स के राइट साइड दोनों एम्प्टी है, ठीक है? तो ये दो चीज़ों को कंपेयर करने का काम आता है, ठीक है? तो इसको हम
यूज करेंगे, ठीक है। बट इससे पहले हम एक इफ एल्स ब्लॉक लगाएंगे, ओके। तो जब मेरा बटन क्लिक होगा, जैसे ही बटन क्लिक होगा, वैलिडेट लॉगिन बटन क्लिक होगा, तो वो इफ एल्स ब्लॉक में आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से इफ एल्स ब्लॉक में, जब मैंने बटन क्लिक किया, सो दिस स्टार्ट इज नथिंग बट बटन क्लिक, ठीक है। तो जब मेरा बटन क्लिक होगा, तब फील्ड जो इफ एल्स ब्लॉक है वो यहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूशन आएगा, ठीक है। तो वो इफ एल्स का ब्लॉक ही है, ठीक है। अब इफ में हमको कंडीशन डालना पड़ता है, जो अगर आप इफ देखेंगे तो ये जो है ना फर्स्ट वाला ब्लॉक, ये इफ का है। तो अब इफ का नहीं, मतलब इसमें कंडीशन डालना पड़ता है, इसको कंडीशन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ब्लॉक, यहाँ पे आप कंडीशन डालते हो, ठीक है। तो कंडीशन इवेल्युएट होता है, ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे आपका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करना होता है, हमको कंडीशन यहाँ पर डालना पड़ेगा, किस कंडीशन के बेसिस पे इफ इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, डू एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लॉजिक का यूज़ करते हैं। तो ये लॉजिक का जो ब्लॉक है, इसमें देखिए आप दो कंपैरिजन, दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक साइड हम ब्लैंक रखेंगे या नल रखेंगे, और दूसरे साइड हमारा फील्ड में जो भी इनपुट आएगा उसको रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम ट्रैक करके प्रोग्राम करते हैं, ओके। अब इनपुट को हम कहाँ से लेंगे, तो इनपुट फील्ड जो भी मेरा इनपुट यूजर इनपुट ये है, तो अब इसका टेक्स्ट इनपुट यूजर इनपुट्स टेक्स्ट, ठीक है। तो जब हम इस पे इनपुट वाले ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मुझे मेरा इनपुट का वैल्यू मिल जाएगा, और इसको हम लेफ्ट साइड में रख देंगे, ओके। और राइट साइड को हम नल रख देंगे, ठीक है। तो अब लॉजिक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नल है, ठीक है। नल का मतलब है एम्प्टी, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों कंपैरिजन किया जाए और दोनों बराबर हो, यानी जो मेरा यूजर का इनपुट है वो नल हो, ठीक है, देन व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू हाईलाइट द फील्ड, द वैलिडेशन लेबल, ठीक है, विच इज एंटर योर यूजर नेम टू रेड, वी वांट टू मेक इट टू रेड, ठीक है। तो अब वैलिडेट वैलिडेशन का जो लेबल था, ओके। तो ये कंपैरिजन में हमने टेक्स्ट इनपुट लेफ्ट साइड में डाल दिया इक्वल्स टू के, और राइट साइड में नल है। तो जब टेक्स्ट इनपुट अगर आपका नल हो जाएगा, देन वी वांट टू डू समथिंग, और ये डू समथिंग में क्या आएगा, वी वांट टू हाईलाइट द वैलिडेशन लेबल टू रेड, ओके। हम डिज़ाइन में देख लेते हैं, ये लेबल जो है लेबल यूजर नेम, इसको हम लोग कर देते हैं लेबल वैलिडेशन, कर देते हैं वैलिडेशन, ठीक है। और फिर हम ब्लॉक्स में आते हैं, लेबल वैलिडेशन, ठीक है। इसका हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉन्ट, फिर हाइट, कलर, कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कलर चेंज करना है। अब अगर बैकग्राउंड कलर चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का जो वैलिडेशन सॉरी लेबल वैलिडेशन का जो कलर है वो हम लोग चाहते हैं कि रेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो इफ दिस इज इक्वल्स देन सेट द लेबल वैलिडेशंस कलर टू रेड, ठीक है। एल्स जस्ट नेविगेट टू द नेक्स्ट स्क्रीन विच इज स्क्रीन सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्रीन लॉगिन पे एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेविगेट करने का आपको ऑप्शन आएगा, कंट्रोल में नेविगेट करने का ऑप्शन आएगा। सो व्हेन यू क्लिक ऑन कंट्रोल यू गेट नेविगेट टू स्क्रीन वन विच वी कैन चेंज टू स्क्रीन सक्सेस, ठीक है। तो इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे एल्स में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एल्स इज दिस पार्ट, सो दिस इज द एल्स पार्ट, एल्स ब्लॉक, ठीक
ठीक है, विच इज़ नेविगेट टू द नेक्स्ट स्क्रीन, और जो इफ पार्ट है वो हाईलाइट द वैलिडेशन लेबल टू रेड कलर, जिसको हमने यहाँ से किया, ठीक है। और नेविगेट टू स्क्रीन वन है, हम इसको चेंज करके स्क्रीन सक्सेस करें, ठीक है। तो सक्सेस स्क्रीन क्या है? सक्सेस स्क्रीन इज जस्ट लॉग इन सक्सेसफुल, दैट्स इट, ठीक है। ओके, अब लेट्स ट्राई टू प्रीव्यू और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो अब हम लेट्स से इसको हम इनपुट को ब्लैंक रखते हैं और हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेबल मेरा रेड हो जा रहा है, ठीक है। अभी फिर से नेक्स्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स वी टाइप समथिंग, लेट्स से यूज़र नेम test@gmail.com, ओके, फॉर एग्जाम्पल, एंड देन वी क्लिक नेक्स्ट, ठीक है, वी गेट लॉग इन सक्सेस, ओके। तो अब इसी तरह से हम लोग इसको, जैसे इसका हमने यूज़र नेम में ये वैलिडेशन डाला है, उसी तरह से हम इसका पासवर्ड में भी वैलिडेशन डालेंगे, ठीक है। ओके, तो उसके लिए जैसे प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम है, यहाँ पे हमने यूज़र नेम डाला, उसी तरह से इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा, ठीक है, इतना ठीक है। प्लीज एंटर योर यूज़र नेम, टाइप योर यूज़र नेम, प्लीज एंटर योर यूज़र नेम की जगह यहाँ पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड, ठीक है, इसको हम कर देते हैं, इसको क्या किया था, लेबल वैलिडेशन, लेबल वैलिडेशन है, इसको हम कर देते हैं, इसको वैलिडेशन यूज़र नेम कर देते हैं, वैलिडेशन यूज़र नेम, इसको हाईलाइट करेंगे रेड से, और वैलिडेशन पासवर्ड, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे रेड से, वैलिडेशन पासवर्ड। अब हमको एक पासवर्ड का भी फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट को यहाँ हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइप हियर, टाइप योर पासवर्ड, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन सिक्योर टेक्स्ट एंट्री भी है, देखते हैं कि इससे क्या होता है, ठीक है। इससे हम इसको ऑन कर देते हैं, क्योंकि पासवर्ड थोड़ा सिक्योर होना चाहिए, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू टाइप, आप जो पासवर्ड अगर किसी के सामने टाइप कर रहे हैं तो उसको दिखना नहीं चाहिए कि ये पासवर्ड है, ठीक है। तो मे बी उसके लिए ये है, लेट्स सी इसका क्या काम है, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, ठीक है। अब हम वापस से अपने ब्लॉक में आते हैं, और ये जो लॉजिक हमने लगाया, ये हमारा टेक्स्ट इनपुट, यूज़र इनपुट के लिए था। अब सेम चीज़ हम लोग पासवर्ड के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट इनपुट पासवर्ड कर देते हैं, यूजर इनपुट टेक्स्ट यूजर पासवर्ड, ठीक है, टेक्स्ट यूजर पासवर्ड, ओके, और लेबल वैलिडेशन पासवर्ड, लेबल वैलिडेशन यूजर नेम, ठीक है। अब ब्लॉक में आते हैं, तो लेबल वैलिडेशन यूजर नेम का कलर मेरा रेड हो जाएगा यूज़र इनपुट पे, दिस इज़ ओके। अब यहाँ से हम बस इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम इफ एल्स को हम कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये सेकेंड इफ एल्स ब्लॉक हो जाएगा, तो इफ टेक्स्ट यूज़र इनपुट की जगह हम यहाँ पे यूज़र पासवर्ड ले लेंगे, अगर टेक्स्ट इनपुट यूज़र पासवर्ड अगर नल होगा, देन सेट द लेबल वैलिडेशन यूज़र नेम, सेट द लेबल वैलिडेशन पासवर्ड कलर टू रेड, ठीक है, एल्स नेविगेट टू स्क्रीन सक्सेस, ठीक है। पर यहाँ पे एक कैच है कि जैसे ही अगर लेट्स से
टेक्स्ट इनपुट जो जो यूज़र नेम का जो इनपुट है अगर वो सही रहा नल नहीं रहा तो ये नेविगेट कर जाएगा टू स्क्रीन सक्सेस पे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर यूज़र ने यूज़र नेम इनपुट किया उसके बाद फिर ये पासवर्ड का वैलिडेशन हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके एल्स ब्लॉक में ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सक्सेस हुआ, आई मीन दोनों दोनों कंडीशन एक्चुअली में एल्स ब्लॉक में आए, तभी मेरा स्क्रीन सक्सेस पे जाएगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू प्रीव्यू दिस, तो अगर हम यूज़र नेम टाइप नहीं करेंगे, पासवर्ड भी टाइप नहीं करेंगे और हम नेक्स्ट करते हैं, तो मेरा एंटर ये यूज़र नेम ब्लैंक आया, ठीक है। लेट्स से हम यूज़र नेम कुछ टाइप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो एंटर ये पासवर्ड भी मेरा नहीं है। लेट्स से अगर हम पासवर्ड टाइप करें, तो अब देखो यहाँ पे पासवर्ड जो है वो ब्लैंक ऐसे डॉट डॉट में आ रहा है, इनक्रिप्टेड आ रहा है, ठीक है। वो जो हमने सेटिंग ऑन किया था ना उसकी वजह से आ रहा है। अभी लेट्स से हमने यूज़र नेम भी डाला, पासवर्ड भी डाला और नेक्स्ट किया, तो मेरा लॉगिन सक्सेस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक अ लॉग इन स्क्रीन, ओके। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इट्स अ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, बट आपको ये इफ एल्स का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अब मॉडिफाई हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा मॉडिफाई है। एल्स में यहाँ पे नेविगेट टू नेक्स्ट स्क्रीन हम नहीं करेंगे, एल्स में सो फर्स्ट इफ ब्लॉक में हाईलाइट द वैलिडेशन, अगर ट्रू हुआ यानी अगर ब्लैंक है तो हाईलाइट द वैलिडेशन लेबल टू वैलिडेशन लेबल जो है मेरा यूजर नेम का वैलिडेशन है, यूजर नेम वैलिडेशन टू लेबल टू रेड कलर, ठीक है। अगर लेट्स से इन्होंने यूजर नेम डाल दिया, ठीक है, तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो हम इधर आएंगे, ये मेरा एल्स ब्लॉक में आएगा। अब ये एल्स ब्लॉक में हम नेविगेट टू नेक्स्ट स्क्रीन नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम वैलिडेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक जो है ये मेरा ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ पे भी एक कंडीशन ब्लॉक आ जाएगा। एल्स ब्लॉक में हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, एक नया कंडीशन ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा एल्स ब्लॉक में भी एक अलग से इफ एल्स बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि इस यहाँ फील्ड ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे यूजर नेम फील्ड ब्लैंक, यूजर नेम अगर ब्लैंक हुआ तो, ठीक है। पर यूजर नेम फील्ड इज ब्लैंक और इस पासवर्ड फील्ड ब्लैंक, तो अगर पासवर्ड फील्ड अगर ब्लैंक हुआ तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो पास जैसे ही मेरा अगर यूजर नेम फील्ड ब्लैंक नहीं हुआ, ठीक है, यूजर नेम फील्ड ब्लैंक अगर नहीं हुआ तो हम पासवर्ड का फील्ड चेक करेंगे कि पासवर्ड फील्ड मेरा ब्लैंक है कि नहीं। तो अगर पासवर्ड फील्ड तुम्हारा ब्लैंक, तो इसमें भी यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएंगे, यहाँ एक साइड इफ हो जाएगा, एक साइड एल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड हमारा इफ चला जाएगा, आई मीन ट्रू चला जाएगा, एक साइड फॉल्स चला जाएगा। तो अगर पासवर्ड फील्ड अगर ब्लैंक लेट्स से अगर हो गया, अगर फिर पासवर्ड फील्ड भी अगर ब्लैंक रहा तो ये इस तरह का सेम चीज़ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर पासवर्ड फील्ड अगर ब्लैंक रहा तो हम ये करेंगे, हाईलाइट द पासवर्ड वैलिडेशन लेबल टू रेड कलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो अगर ये भी मेरा ट्रू ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू साइड हो जाएगा। और अगर पासवर्ड फील्ड ब्लैंक नहीं रहा, ठीक है, तो हम लोग फॉल्स के साइड जाएंगे। तो फॉल्स में क्या कराना है हमको, बस नेविगेट टू द नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है।
तो फॉल्स में क्या हो जाएगा, टू नेक्स्ट स्क्रे, ठीक है। तो ये मेरा फॉल साइड हो जाएगा। ओके, अब मेरा नया जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये मेरा एल्स का साइड हो गया, ये फॉल्स साइड हो गया, और ये ट्रू साइड हो गया, ठीक है। सो दिस इज आवर न्यू फ्लो। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, हमने ये ब्लॉक ऐसा क्यों बनाया। इफ एल्स, एल्स में हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि जो पासवर्ड है वो भी अगर नल है तो फिर हम क्या करेंगे, उस हिसाब से हमारा पासवर्ड का जो वैलिडेशन लेबल है उसको रेड कर देंगे। अगर दोनों ही नल नहीं हुए, यानी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुए, तभी मेरा नेविगेट टू सक्सेस स्क्रीन होगा, ठीक है, स्क्रीन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको आप देखिए और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछें, ठीक है। थैंक यू।